सुपर टेस्टी पनीर बटर मसाला खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है और बहुत कम समय में बन जाता है। ना प्याज को बारीक काट लिया है, टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया है और यहाँ अदरक को भी हमने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ लहसुन को भी बारीक काट लिया है और साथ ही में मिर्ची ले ली है। और यहाँ हमने काजू को गर्म पानी में भिगो दिया था साधा है। और यहाँ हमने खड़े मसाले लिए, यहाँ हमने दो तेज पत्ता लिया है, दो इलायची ली है, थोड़े से शाहजीरा लिए हैं, यहाँ हमने दालचीनी ली है, दो लाल मिर्च ली है और एक बड़ी इलायची ली है। अब हम एक जार में ये रफली चॉप की हुई टमाटर को डाल देंगे, साथ ही में हम ये दो मिर्ची तोड़ के डाल देंगे, एक इंच अदरक के टुकड़े को डाल देंगे, यहाँ हम ये धनिया के डंठल डाल देंगे तोड़ के, और ये जो हमने भिगा के काजू रखे थे इसको भी इसका पानी निकाल के डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें दो चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब हम इन सबको मिक्सी के जार में डाल के पीस दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फाइन पीस चुका है। अब हम कढ़ाई में प्याज तड़का लगाएंगे। यहाँ हमने पनीर को भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसको एक पैन में डाल के टॉस करेंगे। कढ़ाई रख दी है, उसमें हमने एक क्यूब बटर डाल दिया है। अब हम पनीर को टॉस करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमने इस पे एक टेबल स्पून तेल डाल दिया है। अब हम ये जो काट के पनीर को रखे थे इसको डाल देंगे इसमें, और हल्का सा हम इसमें एक चुटकी भर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे हल्का सा, और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे चलाते रहेंगे, और ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि पनीर टूट सकता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ये मिक्स हो चुका है अच्छे से, मतलब अब ये हो चुका है। अब हम इसको कढ़ाई से निकाल के अलग रख देंगे और फिर हम तड़का लगाएंगे। हमने जिस कढ़ाई में पनीर को वो किया था उसी कढ़ाई में हम तड़का लगाएंगे, और हम ये इस बटर डालेंगे। हमने 4 टेबल स्पून तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है। हमें इसमें 1 चम्मच जीरे डालेंगे, 2 तेज पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, कुछ दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, साथ ही में इसमें 2 इलायची डाल देंगे और इसमें शाहजीरे को भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसके हो जाने के बाद हम साथ ही में इसमें लहसुन भी डाल देंगे बारीक चॉप की हुई, और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। और जब ये पक जाएगी तो हम प्याज डाल देंगे। लहसुन भुन चुकी है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और इसको भी अच्छे से चला देंगे। अब हम प्याज को अच्छे से भूंज लेंगे इसमें 10 मिनट के लिए। जब प्याज अच्छी सुनहरी हो जाएगी फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हमने यहाँ पिसे मसाले निकाल लिए हैं। यहाँ हमने ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, यहाँ हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली है, 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है, और 1 टेबल स्पून हम मिर्ची का पाउडर ले लिए हैं। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना डालें। आप देख सकते हैं प्याज भुन चुकी है। हम ऐसे ही गोल्डन ब्राउन प्याज को भुन जाने देंगे। इसके बाद हमने ये जो मसाले निकाल के रखे थे ये सारे मसालों को इसमें डाल देंगे।
और अच्छे से चलाएंगे। और साथ ही में हम यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। अब ये यहाँ मसाले हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ मसाले हो चुके हैं, अब हम इसमें ये पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से इस प्याज के साथ टमाटर को मिला देंगे और भून जाने देंगे। टमाटर डालने के बाद इसको हम चलाते हुए 20 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि टमाटर तेल ना छोड़ दे अच्छे से। आप देख सकते हैं ग्रेवी ने उसको कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मतलब ग्रेवी पकना स्टार्ट हो गई है। इसको हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि अच्छे। अब टमाटर ग्रेवी ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें ये फ्रेश मलाई डाल देंगे 2 चम्मच, और साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे और अच्छे से मिला के पका लेंगे। अब हम ग्रेवी को अच्छे से पक जाने देंगे 10 मिनट के लिए। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी फिर हम इसमें पनीर डालेंगे। अब ग्रेवी पक चुकी है बहुत अच्छे से, इसको 20 मिनट पकते हुए हो गए हैं, अब हम इसमें ये पनीर डाल देंगे। इसमें किसके पनीर को भी डाल। अब हमने इसमें पनीर डाल दिया है, थोड़ा सा हम कटा हुआ धनिया डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे ग्रेवी में और इसको पक जाने देंगे 2 मिनट के लिए बस। पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है, खाने के लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। अब हमारी सब्जी बन चुकी है, अब हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। बटर पनीर बनकर तैयार है, अब हम इसको धनिया से गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। गर्मा गर्म बटर पनीर मसाला बनकर तैयार है खाने के लिए। आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। आप पराठे पूरी रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में।